हो सकता है आपके सारे स्किन केयर के प्रोडक्ट सीजन के अकॉर्डिंग चेंज ना होते हो, लेकिन एक चीज आपके सीजन के अकॉर्डिंग जरूर चेंज होनी चाहिए, वो है आपका फेस वॉश। जी हाँ, जिस तरह से हम डेली अपने फेस को वॉश करते हैं, अपने फेस के क्लींजिंग करते हैं, अगर हम एक सही फेस वॉश का चुनाव नहीं करते हैं तो हमारी स्किन को डलनेस और ड्राइनेस हो सकती है, हमारी स्किन को पैचेस हो सकते हैं, ओपन पोर्स की प्रॉब्लम हो सकती है, ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है अगर हम एक सही फेस वॉश का चुनाव नहीं करते हैं। बाजार में तरह तरह के फेस वॉश इसका शुमार है कि किसी में उपटन का यूज़ किया गया है, टर्मरिक का यूज़ किया गया है, वो सारी चीज़ें अपनी जगह बेटर है, अपनी जगह वो अपना गुडवे रखती हैं, लेकिन विंटर के सीजन में अगर आप फेस वॉश डेली डेली यूज़ करते हैं तो वो क्या करती है, आपकी स्किन के जो मॉइस्चर होता है इसको गायब कर देती है, हटा देती है, नमी को हटा देती है और आपकी स्किन बिल्कुल ड्राई हो जाती है, वाइट वाइट दिखने लगती है जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो आपकी स्किन की नमी को बरकरार कर रखने के लिए, आपके स्किन के मॉइस्चर को लॉक करने के लिए और आपके स्किन पे जो वाइटनिंग का निखार देने के लिए, आपकी स्किन को खूबसूरत और यंग बनाने के लिए आज मैं आपके साथ एक ऐसा फेस वॉश सजेस्ट करने आई हूँ, एक ऐसा फेस वॉश लेकर आई हूँ जिसे इस्तेमाल करने के बाद भी आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने वाली है। इसे आप पूरे दिन में 2 बार यूज़ कर सकते हैं और आपके स्किन पे कोई ड्राइनेस नहीं आएगी, बल्कि आपके स्किन का मॉइस्चर बरकरार रहेगा, आपकी स्किन का ग्लो बरकरार रहेगा, आपकी स्किन की अच्छी से क्लींजिंग भी होगी और आपके स्किन पे बिल्कुल आपको कोई भी अलग से स्किन केयर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है या इस तरह तरह के बहुत सारे स्किन केयर के प्रोडक्ट यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई वो हम ऑलरेडी अपनी स्किन के लिए करते हैं एक सही स्किन केयर प्रोडक्ट का चुनाव। तो बताती हूँ आपको कि आपको क्या फेस वॉश यूज़ करना है, उससे पहले मैं अंतिमा की दुनिया अपने YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और कैसी है मेरी फैमिली, आई होप मेरी फैमिली विंटर को खूब इंजॉय करेगी और विंटर से जो जुड़ी समस्याएं उसे बताने के लिए तो मैं हूँ ना, मैं आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी, क्योंकि बस छोटी छोटी ही चीज़ें अगर हम ध्यान देते हैं विंटर के सीजन में तो विंटर में भी हम अपनी ग्लोइंग स्किन को भी बरकरार रख सकते हैं, अपनी स्किन की खूबसूरती को भी बरकरार रख सकते हैं। तो बस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए अपनी स्किन केयर के लिए और आपकी स्किन हर सीजन में ही उसी तरह ग्लो करेगी, चाहे वो विंटर सीजन हो चाहे वो समर सीजन हो, आपकी स्किन का ग्लो बिल्कुल हम फीका नहीं पड़ने देंगे। तो बताती हूँ क्या फेस वॉश आपको बनाना है। तो सबसे पहले जो हम पहला इसमें जादू इंग्रेडिएंट्स डालने वाले हैं वो है शहद। शहद जो होते हैं भाई हमारी स्किन की क्लेंजिंग भी करते हैं, हमारी स्किन की मॉइस्चर को लॉक भी करते हैं, हमारी स्किन को ग्लोइंग भी बनाते हैं, वाइटनिंग भी करते हैं और सबसे अच्छा होता है ये हमारी स्किन को डलनेस से भी बचाता है। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ, मैंने यहाँ पे 2 चम्मच शहद का लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो आप 3 चम्मच या 4 चम्मच बढ़ा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और इसके बाद आपको लेना है इसमें 1 चम्मच ग्लिसरीन, वही विंटर का कोई भी हम चाहे वो स्किन केयर से रिलेटेड हो और का हम कोई अपने स्किन केयर का रूटीन बना रहे हैं उसमें अगर हम ग्लिसरीन को शामिल नहीं करते हैं तो ये बहुत ही गलत होगा हमारी स्किन केयर के साथ, क्योंकि जो ग्लिसरीन होता है ना विंटर के सीजन में हमारी स्किन को शाइनी, उसके मॉइस्चर को लॉक करता है, उसे ग्लोइंग बनाता है, जो हमें ओपन पोर्स की समस्या होती है उसको सॉल्व करता है, हमारी स्किन को डलनेस से बचाता है, शाइनी हमारी स्किन को प्रोवाइड करता है। तो ग्लिसरीन जरूर से ज़रूर विंटर में अपनी हर एक स्किन प्रोडक्ट में अप्लाई करिए, चाहे वो छोटी सी भी आप कोई होममेड चीज़ें बना रहे हो, अगर आप उसमें ग्लिसरीन अप्लाई करेंगे तो वो आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट देगी। तो उसके बाद हमने 1 चम्मच यहाँ पर ग्लिसरीन ले लिया है। तीसरी चीज हमें इसमें लेनी है टर्मरिक, जी हाँ कस्तूरी हल्दी मैं ले रही हूँ और आपको भी कस्तूरी हल्दी ही लेनी है, किचन की हल्दी बिल्कुल प्रयोग मत करिएगा, वाइट वाइट येलो येलो फेस हो जाता है, क्योंकि भाई हमें इसे डेली यूज करना है और हमारी स्किन पे कोई भी अलग से कोई ग्लो ना आ जाए तो इसे हमें डेली इस्तेमाल करना है, तो इसलिए हम यहाँ पर जंगली हल्दी का प्रयोग करें जिससे धीरे धीरे वो हमारी स्किन के टेक्सचर को भाई
कंप्लीट अलग वे में, जिससे धीरे धीरे वो हमारे टेक्सचर को, जो हमारे स्किन पे तरह तरह के पैचेस या डार्कनेस आ गए, धीरे धीरे जो हल्दी के एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है ना, वो उसे दूर कर देगी और हमें बहुत अच्छा, हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। फिर बताती हूँ चौथी चीज़ आपको क्या इस्तेमाल करनी है। चौथी चीज़ हमें यहाँ पे इस्तेमाल करनी है सैंडलवुड चंदन पाउडर। चंदन पाउडर जो होता है भाई, वो अमेजिंग अमेजिंग आपके स्किन को बहुत अच्छा क्लींजिंग का काम करता है, आपकी स्किन की रंगत को बढ़ाता है, डलनेस को दूर करता है, ओपन पोर्स की समस्या उसको दूर करता है, जगह जगह ब्लैक पैचेस पड़ गए हैं वो उनको भी दूर करता है। तो ये हमारी चार चीज़ें डालकर ये बन चुका है हमारा कंप्लीट फेस वॉश। इसे आप किसी भी जार में बनाकर रख लीजिए और रखने के बाद आप इसे एवरी मॉर्निंग और नाइट में अपनी स्किन केयर में इसको शामिल करिए। आपकी स्किन की जो डलनेस है वो भी ख़त्म हो जाएगी, ड्राइनेस है वो भी दूर हो जाएगी, आप कि अपनी स्किन पे ग्लोइंग और बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट मिलेगा। यकीन करिए, जब विंटर के सीजन में हमारी स्किन को बहुत ड्राइनेस, भाई इतना ठंड होता है तो हमारी स्किन बिल्कुल अपना मॉइस्चर खो बैठती है, तो जब हम ऐसे फेस वॉश यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी स्किन दोबारा से गुड वे में हो जाती है, दोबारा से वो उसी तरह से खिल जाती है जब हम उसके मॉइस्चर को वापस दे देते हैं। और वो बहुत, तो मैं बताती हूँ कि आपको किस तरह से इस फेस वॉश को अप्लाई करना है अपने फेस पे। ये हमारा अमेजिंग सा फेस वॉश बनकर तैयार हो गया है और अब मैं इसे अप्लाई करने वाली हूँ अपने चेहरे पर। ये देखिए कितना अमेजिंग ये टेक्सचर में बना हुआ है और अब मैं इसे अपने फेस पे अप्लाई करूंगी। मैंने थोड़ा सा स्प्रे में गुलाब जल डालकर कर लिया था, जिससे ये थोड़ा सा नमी में हो जाए, जिससे अच्छी तरह से मेरे फेस पे अप्लाई हो सके। तो अब मैं इसे देखिए फेस पे अच्छी तरह से अप्लाई कर लेती हूँ। थोड़े से बाल परेशान कर रहे थे, और अप्लाई करने के बाद आपको मसाज करना है धीरे धीरे, और इसमें सारी जो भी हमने चीज़ें डाली है वो सारे आपके स्किन के टेक्सचर को और अच्छा करेगा और मॉइस्चराइजर को लॉक करेगा और आपकी स्किन को दिन ब दिन टाइट और यंग बनाएगा। आपको धीरे धीरे मसाज करना है, जैसे आप कोई भी फेस वॉश यूज़ करते हैं उसी तरह, लेकिन इस फेस वॉश से आपकी स्किन को एक नया टेक्सचर मिलेगा, एक नया उसमें जान आ जाएगी और आपका फेस वॉश इतना अमेजिंग आपकी स्किन के लिए काम करेगा कि आप बस खुश हो जाने वाले हैं उसके रिजल्ट को देखकर। तो मैंने आँख के आस पास भी यूज़ किया था, क्योंकि हमने कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं डाली है कि हमारी आइज के पास इफ़ेक्ट करे। और उसके बाद इसे अच्छी तरह से आपको मसाज करते करते फिर वॉश आउट करना है। आप देख सकते हैं कितना क्लीन हो गया है मेरा फेस, और रिजल्ट देख के मैं खुद खुश हो गई हूँ। और फेस वॉश करने के बाद आप देख सकते हैं चेहरे का ग्लो और कितना शाइन, कितना स्मूथ, कितना सॉफ्ट हो गया है और बहुत ही गजब का ग्लो आया है चेहरे पर। तो आप भी इसे अप्लाई करिएगा तो आप अपने चेहरे को देख के काफ़ी खुश हो जाने वाले हैं, और आपको जो अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा वो देखकर आप हैरान हो जाने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा रिजल्ट आइस फेस वॉश को इस्तेमाल करने के बाद आपके फेस के लिए आएगा। खूबसूरत और अच्छी स्किन हमें मिलती है, ओपन पोर्स की समस्या दूर हो जाती है, और जो हमारी स्किन के ड्राइनेस है वो भी खत्म हो जाती है। तो गाइस से जरूर इस फेस वॉश को बनाइएगा घर पे और इसे यूज भी करिएगा, कमाल के रिजल्ट मिलने वाले हैं। और आप मेरे से कमेंट बॉक्स में जरूर आके शेयर करिएगा कि इस विंटर आपके स्किन पे कितना ग्लोइंग और कितना अमेजिंग रिजल्ट दिया है इस फेस वॉश में। तो ट्राई करना तो बनता है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुशियां बांटिएगा, इसी दुआ के साथ, इसी ब्लेसिंग के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।